मेरे यहां उपस्थित भाइयों बहनों से प्रार्थना है, ये मैदान छोटा पड़ गया, अब आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह है ही नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, देखिए इस तरफ सब लोग शांति से खड़े हैं, दूर है फिर भी खड़े हैं, इधर वाले आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, मत कीजिए भैया, अब जगह ही नहीं है तो कहां आओगे आप। भाइयों बहनों, मैदान में भले जगह हो या ना हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। मुझे दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। धनबाद में मैं पहले भी आया हूं, लेकिन ये नजारा पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है इस चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से आप विजय दिलाने वाले हो। आप भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने वाले हो, और इसलिए मैं आज आपको एडवांस में धन्यवाद कर देता हूं। लेकिन मुझे इसके पहले लोकसभा के चुनाव का धन्यवाद करना भी जरूरी है। लोकसभा के चुनाव का धन्यवाद इसलिए करना है कि आज देश में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार बैठी है। 30 साल तक देश में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, मिली जुली सरकारें चलती थी, गठबंधन की सरकारें चलती थी, चुनाव आते आते जो सत्ता में है वो फिर आमने सामने हो जाते थे, फिर झगड़े शुरू होते थे। 30 साल तक देश अस्थिरता से साथ जूझ रहा था। आज 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, इसमें झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है। अगर झारखंड ने इतना भारी बहुमत न दिया होता तो दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं बन पाती, और इसलिए मैं आज विशेष रूप से देश की उत्तम से उत्तम सेवा करने के लिए, देश को स्थिर सरकार देने के लिए, देश को अस्थिरता से मुक्त करने के लिए झारखंड के मतदाताओं ने जो काम किया है उसके लिए लाख लाख धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, क्या झारखंड के लिए करोगे? पूरी ताकत से बताओ। आपने देश को स्थिर सरकार दी, झारखंड को स्थिर सरकार दोगे? आपने देश को मजबूत सरकार दी, झारखंड को मजबूत सरकार दोगे? आपने देश को पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार दी, झारखंड को दोगे? भाइयों बहनों, अगर आप जब स्थिर
सरकार बनाते हो ना, तो सरकार का डोर जनता के हाथ में रहता है। फिर कोई सरकार जनता की इच्छा के बिना चल नहीं सकती है। लेकिन जब मिलीजुली सरकार बनती है तो सत्ता का दौर ठेकेदारों के हाथ में चला जाता है, और आप जानते हो फिर ठेकेदार सरकार का क्या हाल कर देते हैं, राज्य का क्या हाल कर देते हैं, जनता का क्या हाल कर देते हैं, आप भली भांति जानते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज झारखंड को सबसे पहली अगर कोई जरूरत है तो वो जरूरत है पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की स्थिर सरकार की जरूरत है। दूसरा काम है, झारखंड की उम्र क्या हो गई भाई, झारखंड की उम्र क्या हो गई, 14 साल हो गई ना। आपको मालूम है परिवार में बेटा या बेटी जब 14 साल के हो जाते हैं तो अचानक उनके कपड़े छोटे पड़ने लग जाते हैं, आवाज में बदलाव आ जाता है। पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे, 14 साल के होने के बाद घर में आते नहीं है, मां बाप ढूंढते रहते हैं कहां गया, कब आएगा, खाना खाया कि नहीं खाया, रात को दूध पिया कि नहीं पिया, मां बाप को चिंता रहती है कि नहीं रहती है। छोटा होता है तब तो मां बाप की हर बात मान लेता है, 14 साल होने के बाद बदलाव शुरू हो जाता है, और कभी कभार तो मां बाप को भी लगता है अब तो बड़ा हो गया, ध्यान देने की जरूरत नहीं, अपना कर लेगा। लेकिन जो समझदार मां बाप होते हैं ना, वे 14 साल की उम्र तक जितनी चिंता करते हैं उससे ज्यादा चिंता 14 से 18 साल के समय में करते हैं, क्योंकि वही एक वक्त होता है जब बेटा या बेटी उनका विकास कैसा होगा, उनकी सोच कैसी बनेगी, उनके दोस्त कैसे होंगे, वो किस दिशा में पढ़ाई करेंगे, किस काम में रुचि लेंगे, उनका शरीर मजबूत है कि बीमार है, सब बातों पर अगर समझदार मां बाप हैं, अगर वो ध्यान देते हैं और 18 साल की उम्र तक अगर मां बाप ने ठीक से ध्यान रखा तो फिर जीवन पर्यंत उन बच्चों की तरफ देखना नहीं पड़ता है, बड़े होने के बाद वो बच्चे मां बाप का देखभाल करने लग जाते हैं। हर परिवार में ऐसा होता है कि नहीं होता है, हर परिवार में 14 से 18 साल की उम्र का महत्व होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। जैसे परिवार में बच्चे के बेटी के उम्र का महत्व है, वैसे सार्वजनिक जीवन में राज्य की उम्र का भी महत्व है। आज झारखंड 14 साल का हुआ है, 14 से 18 के साल में झारखंड को सबसे ज्यादा परवरिश की जरूरत है, सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। झारखंड के 5 साल इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर इस बार झारखंड मजबूत बन गया तो 100 साल तक झारखंड की तरफ किसी को देखना नहीं पड़ेगा। मुझे बताइए ये महत्वपूर्ण 5 वर्ष जो है उसकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण 5 वर्ष बराबर संभालने चाहिए कि नहीं संभालने चाहिए,
इस महत्वपूर्ण पांच वर्ष में झारखंड की नींव मजबूत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव सिर्फ पांच साल के लिए सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाले 100 साल झारखंड के कैसे हो इसकी मजबूत नींव डालने के लिए चुनाव है। और इसलिए मैं झारखंड के मेरे भाइयों बहनों आपसे अनुरोध करने आया हूं कि इस बार कोई गलती मत कीजिए, कोई गलती मत कीजिए, आधी अधूरी सरकार कतई मत बनाइए, आप भाजपा की मजबूत सरकार बनाइए। भाइयों बहनों, आजकल हमारे विरोधी दल के लोग बड़े परेशान हैं, अब चुनाव है, जाना तो पड़ता है, अखबार में फोटो न छपे, टीवी पे मुखड़ा न दिखाई दे तो 5 साल में जनता उनको भूल जाएगी। और इसलिए खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए वो झारखंड जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। इसलिए कौन सा भाषण करते हैं, लोकसभा के चुनाव में जो भाषण करते थे वो भाषण आजकल करते हैं। अब मुझे बताइए, लोकसभा के समय उनका भाषण आपने सुना था कि नहीं सुना था, और उनको आपने साफ कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर वो भाषण उस समय नहीं चला तो अब चलेगा क्या? मैं हैरान हूं भाई, विरोधी दलों की इतनी बैंकरप्सी है, वे चुनाव के मैदान में ठीक से अपने पैर भी जमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देश का इतना नुकसान किया है, देश की जनता अब भी उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इन दलों की यही हरकतें रही तो भविष्य में भी यह देश की जनता कभी उनकी तरफ देखने वाली नहीं है। और मैं जानता हूं ये सुधरने वाले नहीं है, सुधर नहीं सकते, 60 साल से उनकी जो आदतें लगी है वो कभी अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते। भाइयों बहनों, हमें देश की स्थिति बदलनी है। आप देखिए, आप काले हीरे पर बैठे हो, काले हीरे पर, ये इलाका चमकना चाहिए कि नहीं चमकना चाहिए? भाइयों बहनों, लेकिन चमकाएगा कौन? मोदी तो तैयार है, लेकिन झारखंड में अवसर देना पड़ेगा, मिलेगा? तो भाइयों बहनों, ये काला हीरा भी चमकेगा और पूरे झारखंड को चमकाएगा। न सिर्फ झारखंड को, पूरे हिंदुस्तान को चमकाने की ताकत ये धनबाद के काले हीरे में पड़ी है। लेकिन पुरानी सरकारों के पास कोयले भी खा गए जी, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें खत्म कर दी, हमें तकलीफ हुई है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अचानक आया, लेकिन हमने उसको भी अवसर माना है और राज्यों की भलाई के लिए इस अवसर का उपयोग किया है। हमने जो कोयले के संबंध में जो नई नीति बनाई है, उसके कारण आने वाले वर्षों में झारखंड को, जो पिछले सरकारों में बड़ी मुश्किल से इन्हीं गिनी रकम मिलती थी,
20,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा पैसे आने वाले दिनों में कोयले के माध्यम से झारखंड को मिलने वाले हैं। भाइयों, नीतियां ऐसी हो जो लोगों को रोजगार दे, नीतियां ऐसी हो जो मजदूरों को सुख शांति का जीवन दे, नीतियां ऐसी हो जो देश के प्रगति में, विकास की गति में नई ऊर्जा भरने वाली हो। और आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है, उनकी सारी नीतियां ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, मजदूरों को सम्मान की जिंदगी मिले, विकास की उन नई अवधारणा को लेकर के ये नई सरकार आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, अभी हमारे सांसद महोदय अपने भाषण में यहां की समस्याओं का जिक्र करते थे। भाइयों बहनों, मैंने पहले भी कहा है, दिल्ली में काम करने वाली सरकार बैठी है, वो आपके भी काम पूरे करने का वादा करके बैठी है और पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, सरकार किसके लिए होनी चाहिए? सरकार किसके लिए होनी चाहिए? सरकार किसके लिए होनी चाहिए? सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। अमीर को यहां से रांची जाना है तो वो तो अपनी कार लेकर के चल पड़ेगा, लेकिन गरीब को रांची जाना है उसके लिए तो बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, तभी बेचारा जा पाता है। और ये जिम्मेवारी सरकार की होती है। अमीर के बेटे को पढ़ना है वो तो अमेरिका चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, गरीब के बेटे को पढ़ना है तो सरकार को स्कूल अच्छा चलाना होता है, तब गरीब का बेटा पढ़ता है। अमीर बीमार हो जाए तो दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर उसके दरवाजे पे आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर गरीब बीमार हो जाए तो उसके लिए तो सरकार की अच्छी अस्पताल होनी चाहिए, वहां डॉक्टर होना चाहिए, सस्ती दवाई होनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, सरकार बनते ही पहले दिन मैंने कहा था, दिल्ली में बैठी हुई ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए है और गरीबों के कारण है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में गरीबी हटाने के वादे तो 40 साल तक हम सुनते आए हैं, कुछ नहीं किया लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है। गरीबी कैसे हटती है उसके रास्ते हमने खोजे हैं। एक जमाना था दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने ये कहा, ये जितनी बैंकें हैं ना, बैंक ये तो अमीरों के जेब में है, जब तक इन बैंकों को राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, जब तक ये बैंक के सरकारी हवाले नहीं किया जाएगा, तब तक ये बैंक गरीब के काम नहीं आएगी। और इसलिए उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 40 साल हो गए, 40 साल मैं आपसे पूछता हूं, आपने कभी भी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा हिम्मत से बताओ, सच बताओ, कभी किसी गरीब को बैंक के दरवाजे के पास देखा था? कोई गरीब बैंक में जाने की हिम्मत कर सकता था? इन्होंने झूठ बोला था कि नहीं बोला था? आपके साथ धोखेबाजी की थी कि नहीं की थी? मुझे बताइए, ये बैंकों में जो पैसा है वो गरीब के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज गरीब का हाल क्या है? अगर उसके घर में कोई मेहमान आ गए, बेटी की शादी तय करनी है,
और मेहमान आने वाले हैं उनको अच्छा खाना खिलाना है, 200-500 रुपए की जरूरत है, तो गरीब बेचारा क्या करता है, साहूकार के पास जाता है और जितना ब्याज मांगे उतना ब्याज दे करके 500 रुपया लेके आता है। क्यों? घर में बिटिया को दिखाना है, मेहमान आने वाले हैं, बिटिया की शादी तय करनी है, तो जरा घर को ठीक ठाक करने के लिए, अच्छा खाना पकाने के लिए 500 रुपया वो ब्याज से ले आता है। फिर वो ब्याज देते देते ऐसा मर जाता है कि बेटी की शादी भी नहीं कर पाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? 500 रुपये में गरीब बेटी की बेटी की शादी रह जाती कि नहीं रह जाती है? मुझे बताइए, स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? क्या मेरे गरीबों को साहूकार के घर पे जाकर के रुपयों के लिए अपनी जिंदगी बेचनी चाहिए क्या? ये पीड़ा मेरे दिल में होती है भाइयों, और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई। आज गरीब का खाता बैंक में खुल रहा है, और यहां भी कोई हो जिसका अगर बैंक में खाता नहीं खुला है, मेरा उससे आग्रह है, आप बैंक में जाइए, खाता खुला दीजिए। भाइयों बहनों, बैंक में खाता खोलने के लिए पैसे चाहिए, गरीब पैसे लाएगा कहां से? पैसे नहीं इसलिए खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा पैसे नहीं मिलेंगे, तो गरीब तो वहीं का वहीं रह जाएगा। हमने नियम बना लिया, अगर गरीब के पास एक रुपया भी नहीं होगा तो भी मुफ्त में खाता खोला जाएगा। पहली बार देश में इतना बड़ा निर्णय किया गया, बिना एक पैसा बैंक में खाता खुल जाए, और खाता खुलते ही गरीब को 1 लाख रुपए का बीमा का कवच मिल जाता है। अगर उसके परिवार में कोई अकस्मात हो गया तो 1 लाख रुपए का बीमा 1 रुपया न भरने के बाद भी दिया गया, और ये काम हमारी सरकार ने कर दिया। और गरीब देखिए, गरीब की अमीरी देखिए, मैंने अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी है, लेकिन इस बार देश की जनता ने मुझे गरीबों की अमीरी के दर्शन करवा दिए हैं, और मैं इसलिए गरीबों को नमन करता हूं, गरीबों ने अमीरी के दर्शन करवाए हैं। मैंने तो कहा था 1 रुपया नहीं दोगे तो भी खाता खुल जाएगा, लेकिन गरीबों को लगा कि भले मोदी जी कह दें, लेकिन हम भी तो कुछ ईमान रखते हैं, और इसलिए उन्होंने बैंकों में किसी ने 10 रुपया, किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया जमा करवाया, और जो खाते खुले हैं ना, 7,000 करोड़ रुपया गरीबों ने जमा करवाए, 7,000 करोड़ रुपया। मुझे बताइए, इन गरीबों की सेवा करने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? इन गरीबों के लिए जीने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? इन गरीबों की सेवा कर करके जब रात को सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी कि नहीं आएगी? मैं ये काम मेरी खुशी के लिए करता हूं, मैं गरीबों की सेवा मेरे संतोष के लिए करता हूं, मेरे आनंद के लिए करता हूं, क्योंकि गरीबों की सेवा करने का ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है, और जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। भाइयों बहनों, देश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां कोई नौजवान है? सारे नौजवान तो है, लेकिन मेरा आगे का सवाल तो सुनो, आप में से किसी को अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर के गांव छोड़कर के जाने का मन करता है क्या? अपने यार दोस्तों को छोड़कर के जाने का मन करता है क्या? अपने खेत खलिहान छोड़कर के जाने का मन करता है क्या? अपने गांव की गलियां छोड़कर के जाने का मन करता है क्या? नहीं करता है ना, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है, बूढ़े मां बाप को खिलाना है, कैसे खिलाएं?
बूढ़े मां बाप की चिंता करनी है कैसे करें, और इसलिए नौजवान मजबूरन बूढ़े मां बाप को गांव में छोड़ करके 200 500 हजार किलोमीटर दूर रोजी रोटी कमाने चला जाता है। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और इसलिए भाइयों बहनों हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने मां बाप के पास जाकर के बैठ सके, मां बाप के साथ सुख दुख बांट सके, मां बाप के साथ बैठ करके रुखी सुखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई, और इसलिए हम विकास की हमारी जो अवधारणा है, उस विकास की हमारी अवधारणा में देश का गरीब सबसे पहले है। भाइयों बहनों, मैंने जब चुनाव लड़ रहा था तब मैंने कहा था कि भारत का जो पश्चिमी छोर है जिसमें मुंबई महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, बेंगलोर कर्नाटक आता है, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, दिल्ली हरियाणा पंजाब आते हैं, यहां पर आप देखिए वहां तो कोई न कोई आर्थिक प्रवृत्ति दिखती है, कोई न कोई गतिविधि दिखती है, लेकिन पूरब जहां पर प्राकृतिक संपदा के भंडार पड़े हैं, ईश्वर ने इतना सारा यहां पूरब के पट्टी में दिया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा गरीबी यहां पर है। भाइयों बहनों, ये हमारी भारत माता, उसका एक हाथ तो मजबूत हो लेकिन दूसरा हाथ दुर्बल हो तो हमारी भारत माता कभी मजबूत बनेगी क्या? भारत माता मजबूत बनेगी क्या? भारत माता तो तब मजबूत बनेगी कि जबकि उसकी दोनों हाथ मजबूत हो। अगर दोनों हाथ मजबूत करने हैं तो ये हिंदुस्तान का जो पूर्वी इलाका है, झारखंड हो, बिहार हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, ये सारा इलाका अगर इसका विकास नहीं होगा तो मेरी भारत माता मजबूत नहीं हो सकती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने पश्चिम को भी देखा है, पूरब को भी देखा है, मुझे पूरब को ताकतवर बनाना है ताकि वो पश्चिम की बराबरी में आ जाए, ताकि पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए और हिंदुस्तान के भाग्य को बदल दे। भाइयों बहनों, मैं झारखंड के मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक भारी मतदान किया है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी बहुत स्थानों पर मतदान चल रहा है, जम्मू कश्मीर में भी मतदान चल रहा है। मतदान के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की है देश की जनता ने, झारखंड ने, जम्मू कश्मीर ने, मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं आगे जितना मतदान हुआ है ना, उस रिकॉर्ड को भी आप ब्रेक कर दीजिए। करेंगे पहले के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, अपने गांव में रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, अपने पोलिंग बूथ में रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। देखिए लोकतंत्र की ताकत क्या होती। मैं कल श्रीनगर में था, सारे देश को आश्चर्य हुआ है, 1983 के बाद, 1983 के बाद श्रीनगर की धरती पर इतना बड़ा पॉलिटिकल जमावड़ा कभी हुआ नहीं, ये कल श्रीनगर के लोगों ने दिखा दिया। वो AK-47 से नहीं डरे,
वो बम बंदूक से नहीं डरे, वो आतंकवादियों की धमकी से न डरे और खुलेआम लोकतंत्र में आस्था प्रकट करने के लिए खुलेआम मैदान में आ गए थे। भाइयों, ये रूप देश को नई ताकत देने वाला है और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि झारखंड में भी लोकतंत्र में आस्था बढ़ती चले, लोकतंत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान हो, लोकतंत्र के माध्यम से हमारी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति हो। आओ हम सब मिलकर के लोकतंत्र का झंडा कायम करें, झारखंड को मजबूत सरकार दे, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, मेरे बगल में आ जाएं, सारे उम्मीदवार आ जाएं, इस चुनाव में जितने उम्मीदवार हैं वो आ जाएं, आ जाइए, काफी जगह है, यहां हो जाइए, दूर आइए, उधर आइए, जल्दी आइए, सबके सब आ जाइए, सभी उम्मीदवारों को जगह दीजिए भाई। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे भारत माता की। ताकत ऐसी चाहिए जहां मतदान हो रहा है वहां भी सुनाई दे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नजदीक हैदराबाद दक्कन मकबूदा है, इस कब्जे को छुड़ाना है, बर्रे सगीर के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो